हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। पाइथन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ओ लेवल एग्जाम की दृष्टि से हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन ओ लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम जो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है और उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है पाइथन में, जिसमें आपको एक क्या बनाना है, एरे बनाना है, और उसमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का वो आपको फाइंड करना है, और उसका जो सक्सेसर है वो आपको फाइंड करना है। इसके साथ साथ में उसका जो प्रीडिसेसर्स है उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट एलिमेंट आप सभी को पता ही होगा पहले से, ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रीडिसेसर्स, ये दोनों क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले माना कि हमने एक एरे क्रिएट किया जो कि पांच एलिमेंट का एरे है, उसको हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब इसमें से सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेंगे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का वो निकाल लेंगे। इस एरे को यदि हम सॉर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, तो इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि 8 है वो निकल करके आ जाएगा, कोई इश्यू इसमें नहीं है। दूसरा, सक्सेसर क्या होता है, यदि हम एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट में प्लस 1 कर देते हैं तो वो कहलाता है उसका सक्सेसर। क्या कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं तो उसका वो क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। और यदि उस एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट में हम -1 कर देते हैं तो वो उसका कहलाता है प्रीडिसेसर। क्या कहलाता है, प्रीडिसेसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रीडिसेसर। और लार्जेस्ट एलिमेंट पहले हम निकालेंगे, पहले हम एक एरे बनाएंगे। आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन में एरे लिखा है तो आपको इसको लिस्ट से क्रिएट करना है। किससे क्रिएट करना है, लिस्ट से क्रिएट करना है। सर बताएं लिस्ट से क्यों करना है जबकि यहाँ पे एरे लिखा हुआ है। पाइथन में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एरे से क्वेश्चन आता है, अगर नम पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नम पाई लिखा हुआ है, तो आपको नम पाई एरे से करना है, और केवल एरे लिखा हुआ है तो आपको किससे करना है, तो आपको क्वेश्चन हल करना है किससे, लिस्ट से सॉल्व करना है। तो आई होप इतना भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने पाइथन की आईडीएलई पे और क्रिएट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूं, अर्थात एक लिस्ट बना लेता हूं ब्लैंक। उसके बाद में यूजर से हम पूछेंगे एक नंबर लेकर के कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें रखना चाहते हैं। एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे, एलिमेंट्स इन दिस एरे, ये मैंने क्या दे दिया, एक सिंपल सा मैसेज इनपुट करवा दिया है। अब चूंकि हमें एक एक एलिमेंट को किसके अंदर रखना है, लिस्ट के अंदर भी रखना है, इसके लिए मैं लगाऊंगा लूप फॉर आई इन रेंज, और इसको चलाएंगे अपन जो एन में नंबर आ चुका है वहां तक। उसके बाद में अपने को आइटम इसके अंदर इंसर्ट करवाने हैं, तो अपन ने एक आइटम नाम से वेरिएबल ले लिया और इनपुट में एक मैसेज दिया एंटर आइटम्स, आइटम फॉर एरे, एंटर आइटम फॉर। आप एरे के लिए आइटम इंसर्ट करें, जैसे जैसे आइटम इंसर्ट होते जाएंगे एरे के अंदर वो आइटम जो अपन ने एआरआर नाम से बनाया है, ये आइटम इसमें जुड़ते चले जाएंगे। और इतना एक बार अपन समझते हैं, उसके आगे करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई और एक एरे बनाया।
जो कि सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आप कितने एलिमेंट इस एरे में, गिवन एरे में डालना चाहते हैं। लेट्स से हमने कहा 5, कितने एलिमेंट डालना चाहते हैं, 5 किस में चला जाएगा, n के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में ये रेंज कहां तक चलेगी, n तक चलेगी। सबसे पहले 0 के लिए चलेगी, 0 के लिए एलिमेंट डाला जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पे डाला गया है 6, क्या डाला है 6, 6 क्या हो जाएगा, अपेंड जुड़ जाएगा, जो आइटम डाला है हमने वो आइटम में आ गया है 6, तो आइटम को हमने यहां पे पास कर दिया है। तो 6 किस में आ जाएगा, 6 आ जाएगा गिवन एरे के अंदर। एरे डॉट अपेंड ये अपन पहले कवर कर चुके हैं। उसके बाद में वापस से लूप चलेगा, तो सेकंड नंबर के लिए चलेगा, यहां डाला मान लीजिए 5, तो 5 इसमें क्या हो गया, एड। उसके बाद में लेट से कि 3 डाला है, तो वो 3 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। उसके बाद में मान लेते हैं 9 डाला है, तो वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। उसके बाद में मान लेते हैं 7 डाला है, तो वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। तो इतने टाइम ये लूप चलेगा और इस एरे के अंदर 1 by 1 एलिमेंट इसके अंदर क्या होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। अब चूंकि ये सॉर्ट नहीं है तो हम इसको कर लेते हैं सॉर्ट, ताकि लार्जेस्ट नंबर हम निकाल सकें। जैसे ही लूप से हम बाहर निकलेंगे, हम arr डॉट क्या लगा देंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन सॉर्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे ये जो एरे है ये इस प्रकार से आपका दिखेगा। सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद में क्या आएगा 5, उसके बाद में क्या आएगा 6, उसके बाद में क्या आएगा 7, उसके बाद में क्या आएगा 9। अब इसमें से अपने को क्या निकालना है, पहले लार्जेस्ट एलिमेंट, क्या निकालना है, लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 9 है। आपको लिस्ट का एरे का इंडेक्स निकालना आता होगा। अगर अपन लेफ्ट साइड से चलते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, और अगर अपन राइट साइड से चलते हैं तो -1, -2 ऐसे चलता है। चूंकि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, हमारा एरे सॉर्ट है, तो हम क्या पास कर देंगे, -1 पास कर देंगे। तो चलिए करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट अपन कैसे निकालते हैं, तो एक दे देता हूं मैं मैसेज द लार्जेस्ट एलिमेंट, थोड़ा नीचे लेता हूं, आगे अपना लिखा हुआ है प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज, ये हमारा क्या आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए क्या कर देंगे, arr और ब्रैकेट में -1 पास कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को सक्सेसर निकालना है, तो अपन ने क्या लिखा, सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट इज, सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज, अगर इस एरे के अंदर -1 पे लार्जेस्ट एलिमेंट है अपना, प्लस में क्या कर दूं, प्लस में कर दूं 1, तो सक्सेसर एलिमेंट आ जाएगा। और प्रीडिसेसर एलिमेंट कैसे आएगा, प्रिंट प्रीडिसेसर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज, इस एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, -1 पे है, और उसमें कर दीजिए -1, मतलब एक कम होता है प्रीडिसेसर। तो इस प्रकार से अपना क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला आ जाएगा। अब इसको अपन कर लेते हैं सही, चलिए इसको करके देखते हैं रन, कोई मिस्टेक नहीं हुई तो अपना कोड सही से चल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने से ये लाइन पूछा जा रहा है कि एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिस एरे, तो मैंने कहा 5 एलिमेंट, तो वो 5 आइटम अपने को डलवाने हैं। जैसे मैंने कहा 88, 95, 4, 75 और 6, तो देख लीजिए जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कितना है, 95। इसके अंदर आप आराम से देख भी सकते हैं, और सक्सेसर इसके अंदर एक जुड़ेगा 95 के अंदर, तो क्या आएगा, 96 आएगा, और इसके अंदर एक माइनस होगा तो क्या आएगा, -1 करेंगे तो 94 आएगा। ये हो गया प्रीडिसेसर। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो इनका गहनता से आप अध्ययन करें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा,
मैं ज्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया हुआ है। इससे आपके और मेरे दोनों के समय की क्या होती है, बचत होती है। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब अलग से बता सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।